आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें हैं। मसूरी में खाई में गिरी बेकाबू कार, घूमने आए पति पत्नी घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास एक टैक्सी पहाड़ी से गिर गई। हादसे में दो लोग घायल हो गए। घायलों में पति पत्नी शामिल हैं। दोनों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ANTF कुमाऊं यूनिट ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 800,000 की चरस बरामद। 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ कुमाऊं ANTF की टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। UCC पर बोले मदन कौशिक, अन्य राज्यों के लिए बनेगा नजीर, कॉरिडोर में बदलेगी हरिद्वार की तस्वीर। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कमेटी ने राज्य के हर वर्ग से बातचीत कर UCC का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। ऐसे में उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए भी नज़ीर बनेगा। यह बात हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कही है। रामनगर में बाघ का आतंक। वन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। तो रामनगर में बाघ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने आज धरना प्रदर्शन कर CM धामी के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठाई। ग्रामीण और प्रशासन के बीच आज बातचीत की गई। रुड़की के पास अधेड़ की हत्या कर शव नाले में फेंका, धारदार हथियार से किया मर्डर। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 54 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। उत्तराखंड पुलिस के SI ने किया वर्दी को दागदार। विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिर अरेस्ट। उधमसिंह नगर जिले में तैनात SI ने एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस की वर्दी को दागदार किया है। इस मामले में रिश्वत से जुड़ा है। विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस के SI को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। नामी कंपनी के शोरूम पर पुरानी कार को नई बताकर बेचने का आरोप। संचालक समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। तो देहरादून में नामी कंपनी के शोरूम पर पुरानी कार नई मॉडल को बताकर बेचने का आरोप लगाया है। इस मामले में शोरूम के संचालक समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पत्नी ने शराब पीने से टोका तो पति ने कर दी हत्या, फिर हॉस्पिटल में जाकर सुसाइड दिखाने की कोशिश की। उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पर महाभारत विरोध में उतरे मुस्लिम संगठन। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश राम की धुन में डूबा हुआ। इसी बीच उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों में भगवान राम और अपने नबी के बारे में पढ़ाने की बात कहकर नए विवाद को हवा दे दी है, जिस पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और जानकार विरोध में उतर आए हैं। लाखामंडल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वाहन चालक का शव। भाई ने जताया हत्या का शक। तो चकराता के लाखा मंडल में उस समय सनसनी फैल गई जब म्योड़ा गांव की छानी में एक शव मिला। संदिग्ध अवस्था में मिले शव की पहचान चालक सोनू दास के रूप में हुई है। सोनू के भाई ने म्योड़ा गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कुमाऊं में बाट माप विभाग को मिली 13,000 से ज़्यादा दुकानदारों की शिकायतें। 30 लाख से ज़्यादा जुर्माना वसूला। तो कुमाऊं में घटतौली के मामले में बाट माप विभाग ने 13,000 से अधिक परेशानों पर छापेमारी की। 1,233 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। रामनगर में बाघ का आतंक। वन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा की शुरुआत। नैनी सैनी से शुरू हुई सेवा 2 फरवरी से नियमित उड़ान। तो पिथौरागढ़ वासियों को आज से हवाई सेवा का तोहफा मिल गया है। जिले के नैनी सैनी एयरपोर्ट से CM धामी ने आज हवाई सेवा का उद्घाटन किया। नैनी सैनी एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिन विमान उड़ेंगे। 2 फरवरी से नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। 31 जनवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। UCC पर पूर्व CM हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा इसे केंद्र सरकार बनाए राज्य नहीं। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को लेकर के पूर्व CM हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो ड्राफ्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट अभी जारी नहीं किया। छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक प्राचार्य दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा।
तो देहरादून से खबर है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में संस्थान के शिक्षक सुचित नारंग और प्राचार्य डॉक्टर अनुसुईया शर्मा दोषी करार दिया गया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2018 के मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज आरोपी शिक्षक सुचित नारंग को 20 साल की सजा सुनाई गई, वहीं प्राचार्य अनुसुईया को 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। पीसीएस मुख्य परीक्षा परिणाम का इंतजार जल्द होगा खत्म। तो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। राज्य लोक सेवा आयोग फरवरी में परिणाम जारी करेगा, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है। रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह बाद सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा, फिर 15 दिन बाद साक्षात्कार कराया जाएगा। तुनवाला में खेत पर लगे मोबाइल टावर में लगी आग, आग के लपटों से मची अफरा तफरी। तो देहरादून स्थित तुनवाला में एक घर के पास खेत में लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लगी। हादसे के कारण का पता नहीं लग पाया। आग की लपटें देख वहां अफरा तफरा मच गई।